अपूर्व अपार्टमेंट्स के नाम से एक सोसाइटी थी। यहाँ कुछ मिडिल क्लास तो कुछ अमीर परिवार के लोग रहते थे। तो आप ये तो भलीभांति जानते ही हैं कि मिडिल क्लास के परिवार अपने जैसे ही लोगों से मिलते हैं तो कितनी खिचड़ी पक जाती है। ऐसा ही कुछ अपूर्वा सोसाइटी में था। सुबह के 6 बजे भी नहीं हुए थे कि 30 साल की सुप्रिया अपने बेटे रोहन को स्कूल भेजती है और सामने वाली पड़ोसन नंदिनी झाड़ू लगा रही होती है। तभी शीला भी झाड़ू लगाने लगती है। जल्दी जा बेटा, जल्दी जा, स्कूल की बस खड़ी हुई है। रोहन, अरे हाँ हाँ माँ, जा तो रहा हूँ, बाय मम्मी, वही लॉलीपॉप तो दे दो मुझे। हाँ ली। रोहन लॉलीपॉप का कवर वहीं छोड़कर बस में बैठकर चला जाता है। कूड़ा देखकर नंदिनी भिनभिनाने लगती है। अरे सुप्रिया देख, तेरा बेटा यहाँ कूड़ा करके चला गया। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इसको कूड़ा करना है, तू संभालती क्यों नहीं अपने बेटे को? नंदिनी मेरे बेटे को कुछ मत बोल, वैसे भी तेरे दरवाजे पर कूड़ा करके नहीं गया है, जल्दबाजी में चला गया है वो। ए नंदिनी, सुप्रिया को क्या बोल रही है? अपने कूड़े को देखा, तेरा कूड़ा मेरे दरवाजे पर क्यों आ रहा है? अपने कूड़े को अपने दरवाजे पर कर, तेरा हमेशा का देख रही हूँ मैं जानबूझकर कूड़ा उधर फेंकती है। ए बिना देखे कुछ भी मत बोल शीला, तेरा तो मेरे से 24 घंटे लड़ने का ही मन करता है, ना बात करूं तो जानबूझकर आएगी, इतना प्यार करती है कि मुझसे रोज बात करेगी। अबे खजूर जैसी शक्ल की, तेरे से मैं बड़ा करूंगी प्यार, आजकल दिन में सुबह उठकर भी सपने कैसे देख लेती है तू। नंदू, ए नंदू भिड़े, दिमाग के कीड़े सही नाम है तेरा। अच्छा है, इनकी लड़ाई से मैं यहाँ से निकलती हूँ। सुप्रिया जाने लगती है, तभी शीला की सास आती है। अरे बहू देख सुप्रिया कैसे निकल रही है, कहाँ चली सुप्रिया बहू? अरे आंटी जी, आपकी पूर्ति नहीं होती क्या अपनी बहू से जो मुझसे सुबह सुबह लड़ने को आ रही हो? अब मुझे अपनी ग्राम सभा में और मत घुसाइए। कैसे न घुसाऊं, तेरा बेटा कूड़ा करके गया है, मेरी बहू झाड़ू लगा रही है, मेरी बहू पागल थोड़ी है। अरे अरे लड़ाई शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे मोहल्ले वाले ग्राम सभा में, और थोड़े से पॉपकॉर्न वगैरह ले आना, चाय भी ले आना। अरे जोगिंदर भाई, चाय का इंतजाम मैं कर देता हूँ, आप अपनी गाड़ी धो लो। जोगेंद्र की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सारे मोहल्ले वाले अपने छत से औरतों की लड़ाई देखने लगते हैं। अंकित भी ताली बजाकर कहता है अरे कार्यक्रम शुरू हो गया सुनील भाई, अरे भाई मेरे को अखबार पढ़ रहा था, अब अखबार छोड़ना पड़ेगा। अखबार की ताजा खबर बाद में पढ़ियो, पहले अपने मोहल्ले की तो ताजा खबर देख ले अच्छा अच्छा आ रहा हूँ, कुर्सी लगा लो। देख लो तुम दोनों, इतना मोहल्ले में लड़ती हूँ ना कि मोहल्ले का नाम खराब कर रखा है, सारे लोग अब तुम्हारी महाभारत सुनाने आएंगे। मुझे मत बोलो कि महाभारत में नहीं तुम दोनों ने शुरू करी, तुम लोग आपस में बातें कर रही थी, मैं तो अपने बेटे को स्कूल भेज रही थी। अरे सुप्रिया तू फिर लड़ने लग गई, तुझे कितना बोला है दूर रह, पर मौका मिलते ही कुश्ती या बात करने लग जाती है। हाँ हाँ जेठालाल, बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, समझा अपनी बीवी को, तेरा बेटा कूड़ा यहाँ करके चला गया और साफ भी नहीं कर रही, मेरी बहू से लड़ रही है। आंटी जी फिर से आप मेरे बेटे को बीच में घसीट रही हैं, पर एक छोटा सा रैपर ही तो था और साफ कर रही थी ना, उठा देती, लेकिन आपकी बहू को तो मेरे बच्चे से भी लड़ना है और मेरे पति से भी शिकायत करनी है, तुम बस ऊपर से खड़े खड़े देखते ही रहना, अपनी बीवी का पक्ष मत लेना, इस ग्राम सभा में सब लोग हंसने के लिए ही आते हैं। जोगिंदर भाई आप तो कब से यहाँ पर गाड़ी धो रहे हैं, आप तो कुछ कहिए बताइए। मैं कुछ बोलूं, मैं चुपचाप जा रही थी ना, दूसरी बार भी इन्होंने ही रोका और उनकी बहू ने। इतनी सच्ची सावित्री भी नहीं हो तुम सुप्रिया, शीला की तरह हो बिल्कुल। ए तू फिर मेरे को बीच में ले आई, रुक तेरा तो मैं अभी गेम बजाती हूँ। तभी मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता है। नंदिनी शीला पर एक लौकी उठाकर वार करती है, लेकिन शीला झुक जाती है और वह लौकी जाकर सरदार को लगती है। सरदार के दोस्त हंसने लगते हैं अरे और को सब सुबह सुबह ग्राम मोहल्ला के मजे मिल गया तुझे जोगिंदर प्रसाद ऐसे हंस क्या रहे, अभी तुझे भी पता चलेगा। अरे सुबह सुबह ग्राम सभा के चक्कर में मुझे लग गई, हा? तुम लोग मुझे मत संभालना, आपस में बहस करना इन औरतों की तरह। तेरी हिम्मत, तू मुझे इस सब्जी से मारने वाली थी, अब देख मैं क्या करती हूँ। नंदिनी जोगेंद्र की गाड़ी धोने वाले पानी को शीला पर डालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शीला हट जाती है और उसकी सास भीग जाती है। नंदिनी तूने मेरे पर पानी डाला, अब देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जानकी भी हाथ में टमाटर लेकर नंदिनी पर वार करती है, लेकिन टमाटर सुप्रिया को लग जाता है, सुप्रिया टमाटर जानकी पर मार देती है। इस प्रकार सारे मोहल्ले वाले सब्जी वाले की सारी सब्जी बर्बाद कर देते हैं और एक दूसरे पर सब्जी की बरसात करते हैं, जिसमें जेठालाल भी घायल हो जाता है। आस पड़ोस के लोग भी हंस रहे होते हैं। वहीं सब्जी वाला अपना सिर नोच रहा था।
अरे राम राम, बाप रे बाप, अरे मेरी सब्जी को तो छोड़ दो। अरे अभी मैंने बोनी के लिए निकला था भैया, लेकिन यहाँ तो महामारी शुरू हो गया। अरे मेरे भिंडी टमाटर आलू लौकी छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई। चुप कर तू, बड़ा आया सब्जी वाला, दिखाई नहीं देता यहाँ ग्राम सभा शुरू हो गई है। अब आया मजा, ये औरतें भी ना। तभी लड़ी हुई औरतें एक दूसरे का सिर भी नोचने लगती हैं, तो उनके पति और कुछ औरतें उन्हें शांत करवाने और अलग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी सोसाइटी की सबसे अमीर औरत बंदना हंसते मुस्कुराते जॉगिंग करते हुए अपने घर से बाहर आती है। वह मुस्कुराते हुए जानकी से कहती है, और क्या हालचाल है जानकी जी आपका? आप कहाँ अपना वक्त इन ग्राम सभा में, चलिए जॉगिंग करते हैं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए ना, मेरी बहू और ये सारी औरतें लड़ रही हैं। सुबह सुबह ग्राम सभा बना रखा है मोहल्ले को, ऐसे में कैसे मैं जॉगिंग करने आपके साथ आ पाऊंगी? मेरे दिमाग में तो इनकी खिचड़ी पकती रहेगी। देखिए कैसे फेंका फेंकी कर रहे हैं। ये सब तो चलता रहता है, पर आप अपने लिए कब वक्त निकालेंगी? अच्छा माँ जी, अब आपको जॉगिंग की पड़ रही है? हाँ हाँ, मैं बुरी हूँ ना, अब आपसे साथ थोड़ी ना दिया जाएगा यहाँ पर। अब चुप कर तू बहू, तू मत चालू हो जा। देखो देखो मोहल्ले वालों, ग्राम सभा वालों, इन सास बहू को कुछ नहीं मिलता तो आपस में ही लड़ने लगती हैं दोनों, क्यों नंदिनी? तुम तो जैसे कि बड़ी अच्छी हो, अभी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी, अब साथ हो गई ताली मार रही हो। आई थिंक वी शुड गो, आप अपनी ग्राम सभा में ही बिजी रही सारी औरतें। बंदना 50 साल की एक पढ़ी लिखी अमीर घर की औरत थी। वह वहाँ से जॉगिंग के लिए पार्क में चली जाती है, यह उसका रोज का रूटीन था। मोहल्ले वाले सुबह सुबह अपनी ग्राम सभा लेकर चालू हो जाते थे, कभी किसी से लड़ना तो कभी एक दूसरे की चुगली करना, कभी एक साथ रहना तो कभी एक दूसरे से ही लड़ना। यह सब देखकर बंदना सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जॉगिंग करने चली जाती थी। एक दिन औरतों की ग्राम सभा हो रही थी और जानकी अपनी बहू सुप्रिया और जेठालाल के साथ बैठी थी। एक बात कहूँ बच्चों, ये वंदना शाह हमारी लड़ाई होने के बावजूद भी इग्नोर करके चली जाती है, ना कुछ कहती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। क्या इसकी लाइफ एकदम सही है? हम लोगों को देखो, हमें खुद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और ना अपने ही घर में भी। अरे सही बोल रही हैं आप, मेरी बीवी तो मुझे भी घर में बहुत किचकिच करती है, पता नहीं अपने बहू बेटे के साथ कैसे रहते हैं, पूरा घर शांत रहता है। क्या बोला तुमने? अभी दोबारा मेरे साथ ऐसा किया ना तो एक और कोनी पेट में मारूंगी। सॉरी जानू, सॉरी, सुबह सुबह अत्याचार न किया करो। वैसे जानकी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो इतनी खुश रहती है, इन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होता। क्या आपस में इतने बड़े परिवार में शायद अमीर है तो आराम से ठाट बाट से रहती होंगी। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है, इनकी बहू को मैंने घूरती हुई आंखों से इन्हें घूरते हुए देखा है, मुझे तो लगता है जैसे कि कुछ गड़बड़ है। नहीं बहू, इनमें क्या गड़बड़ होगी, इतना सारा पैसा धन रुपया, बहू बेटे हैं, इतना मुस्कुरा के तो रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हैं। चल हम घर चलते हैं, बहुत ग्राम सभा बना ली, 8 बज रहे हैं, चाय वाय बना लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हम भी चलते हैं। सब अपने अपने घर जाकर चाय पानी करके अपने काम पर निकल जाते हैं। बंदना अपने बेटे का ATM कार्ड लेकर चश्मा बनवाने जाती है, ऑटो टैक्सी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश भी शुरू हो जाती है, उसे कोई रिक्शा नहीं मिलता। तभी जानकी और सुप्रिया बंदना को भीगते हुए देखती हैं, तो रिक्शा रोक लेती हैं। अरे वंदना जी, आपके पास तो कार है, फिर आप ऑटो का इंतजार क्यों कर रही हैं? बारिश में भीग जाएंगे, मेरे साथ बैठ जाइए, एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं हम लोग। आइए आइए ना आंटी जी, जानकी आंटी ने मुझे भी ऑटो में बिठाया है, साथ में चलते हैं। ठीक है बेटा। बंदना उनके साथ बैठ जाती है, लेकिन जानकी और सुप्रिया उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को अभी भी देख रही होती हैं। फिर बंदना उन्हें चाय के लिए इनवाइट करती है, वह खुद चाय बना कर देती है। अभी उसके बहू बेटे कहते हैं, माँ जी बताइए, आपने राहुल का ATM कार्ड चुराया है या नहीं? माँ मैं जानता हूँ आपके पास है, यही टेबल पर रखा था मैंने। बेटा तुम लोग इतना चिल्ला कर बात क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पर पड़ोसी आए हैं। हाँ मैंने तुम्हारा ATM कार्ड लिया था, पैसे नहीं थे, पैसे मांगने आई थी, पर तुम दोनों ही नहीं थे। फिर मैंने सोचा जब तक मैं तुम्हारे बाबूजी का चश्मा बनवा कर ले आती हूँ, टूट गया था ना, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ तो वो इतने अंधे हो गए हैं और कितना देखेंगे, क्या जरूरत है चश्मा लेने की? रेडिकुलस माँ, मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ, दोबारा से मेरा इस तरीके से सामान मत उठाना, पता भी है मुझे, इसे भी पैसे देना है, इसको अपने लिए नेकलेस लाना है। दोनों बहू बेटे सुनकर चले जाते हैं। जानकी और सुप्रिया को बंदना के लिए बहुत बुरा लगता है। आंटी जी हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है,
आपकी बहू बेटी आपसे इस तरीके से बात करते हैं? चेहरे पर रोज कितनी अच्छी स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था कि आप बहुत अच्छे परिवार में रहती हैं। अपनी बहू बेटी के साथ एकदम खुश रहती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी ही परेशानी थी तो तू हमसे आकर बातचीत करती, अपना दिल हल्का करती। क्या दिल हल्का करूं? तुम सब लोग तो आपस में बात करते रहते हो, लड़ते भी हो, खुश भी रहते हो, लेकिन मेरे बहू बेटे मुझे सोसाइटी में आने ही नहीं देते। तुम्हारी ग्राम सभा देखकर मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, मन करता है आऊं, लेकिन मेरा बेटा बहू की बात सुनता है और बहू मेरे बेटे को मेरे बारे में कुछ भी बोल देती है, देखा था ना? और फिर परेशानी बता करके क्या करना है, जिंदगी में है तो मुस्कुराना पड़ता ही है। ये तुमने सच कहा वंदना, और आज हम दोनों को तुमसे ये बात सीखने को मिली है। अब हम चलते हैं, अपने पति का ख्याल रखना, क्योंकि बहू बेटे तो तुम्हारा रखने से रहे। ये सुन वंदना जानकी को गले लगाती है और हमदर्दी के साथ बाहर से चली जाती है। जानकी ये बात अपनी बहू को बताती है और सुप्रिया अपनी पति को। उन्हें ये बात सीखने को मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितने भी दुख दुविधा आ जाए, लेकिन हमेशा मुस्कुराहट के साथ जिंदगी की हर परेशानी को काम किया जा सकता है।